गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3rd एक्सरसाइज क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले तक के वीडियो में आप पीछे का 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd के 6 नंबर क्वेश्चन तक पीछे देख सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने वालों को हम ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो वीडियो है, इसके पहले वाले में थोड़ा उसमें वॉल्यूम पता नहीं कैसे, वो उसमें माइक सेट नहीं था तो आवाज़ शायद ना आती होगी, है ना, पर वहाँ पर समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब आज का जो टॉपिक है मेरा, एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.7 NCERT फिजिक्स क्लास 12th, यहाँ चैप्टर 3rd एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन है NCERT फिजिक्स का। क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं, उसमें एक नेटवर्क दिया, लेकिन उसके पहले आप लोग को ये बता दें, ये जो क्वेश्चन है वो किरचॉफ लॉ पर निर्भर है, किरचॉफ के नियम पर। यानी आप किरचॉफ के नियम को पढ़े बिना इसको बिल्कुल मत पढ़ना, आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए आपको पहले प्लेलिस्ट में जाके किरचॉफ नियम को समझना पड़ेगा, तब इसको आप समझ सकते हैं। नहीं, एक भी लाइन समझ में नहीं आएगी बिना किरचॉफ के नियम के। तो सबसे पहले तो आपको किरचॉफ का नियम पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाके किरचॉफ का नियम पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। एक इसमें नेटवर्क दिया हुआ है और नेटवर्क के प्रत्येक ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए नेटवर्क में प्रत्येक शाखा, प्रत्येक भुजा में प्रवाहित, नीचे दिए गए नेटवर्क में प्रत्येक भुजा शाखा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ये प्रश्न है। नीचे दिए गए नेटवर्क में प्रत्येक भुजा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ठीक है, प्रश्न मान लीजिए। आप क्वेश्चन बुक से भी देख सकते हैं, है ना, फिर भी यहाँ हम बनाए दे रहे हैं, देखिए। फिर इसके बाद सब कुछ इरेज करके यहाँ से स्टार्ट करके दिखाएंगे। अब वो नेटवर्क कुछ इस प्रकार से है, ये रहा ये, ये 10 वोल्ट, ये 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये 10 ओम, ABCDEF, ये। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ये बोलता है कि हर एक ब्रांच में बहने वाली धारा को ज्ञात करो, AB ब्रांच में, BC ब्रांच में, CD ब्रांच में, AD ब्रांच में, BD ब्रांच में कितनी धारा जाएगी, ये प्रश्न है। अभी देख लो अच्छे से, हम सब कुछ इधर का मिटा देते हैं, ठीक है। ये हर ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धारा को ज्ञात करना है, हर ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ABCDEF है,
10 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, 10 वोल्ट, 5 ओम, ठीक है ना। प्रत्येक ब्रांच में बहने वाली धारा, हर ब्रांच में, हर शाखा में जाने वाली धारा की गणना करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हल करने के लिए, हल करने के लिए हमने कहा किरचॉफ का नियम आना चाहिए, किरचॉफ का नियम प्लेलिस्ट में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम मान कर चलते हैं कि ये जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा है आई। अच्छे समझना, ये धारा यहाँ से आई चली, इसमें से कुछ धारा इधर चली गई आई वन, इधर धारा कितनी जाएगी फिर आई माइनस आई वन। जब आई धारा में से आई वन इधर गई है तो इधर आई माइनस आई वन हो जाएगा। कुल धारा चल रही थी आई, तो आई वन इधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी आई माइनस आई वन। अब इधर की धारा मान लो कितनी हो गई आई टू, मान लो तो इधर कितनी होगी आई वन माइनस आई टू। अब इधर कितनी धारा होगी, ये इधर आई वन माइनस आई माइनस आई वन, इधर से ये आई टू, तो यानी आई माइनस आई वन प्लस आई टू, ये आई माइनस आई वन भी और आई टू दोनों मिलकर, तो ये अब इधर से ये धारा और ये धारा दोनों मिल जाएंगी तो आई वन आई टू कैंसिल, तो ये भी इधर आई हो जाएगी, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ से चाली धारा आई, तो आई का आई वन भाग इधर तो आई माइनस आई वन इधर, आई वन में से आई टू इधर तो आई वन माइनस आई टू इधर। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए समझने के लिए, ये मान लो 5 है और ये मान लो कितनी है 2 है, ये 5 है ये 2 है, तो ये कितनी होगी 5 माइनस 2 ना होगी इधर, ठीक है 5 माइनस 2 3 इधर जाएगी, ठीक है ना। ये आई धारा आई वन इधर इधर आई माइनस आई वन, ये आई टू धारा तो आई वन माइनस आई टू इधर, ये दोनों मिलकर इधर जाएंगी और ये दोनों मिलकर इधर, तो ये है ना। हमको प्रत्येक ब्रांच में धारा की गणना करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए, एक बार ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किसमें, ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, एक बार बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, फिर एक बार ए बी सी ई एफ ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, और 3 ठो समीकरण बनेंगे और उन तीनों समीकरणों को अच्छे से हल करेंगे तो आई का मान, आई वन का मान, आई टू का मान मिल जाएगा। और जब आई वन आई टू आई का मान मिल जाएगा तो फिर देख लेंगे कि ए बी में धारा आई वन जो होगी वो कहला जाएगी, बी सी में धारा आई वन माइनस आई टू जो होगी वो कहला जाएगी, ठीक है ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम आना चाहिए। हमने नियम के लिए बता दिया कि प्लेलिस्ट में आप उसको जाके देखेंगे तभी समझ सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट सवाल बताएंगे क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, 1 बाई 1 क्या करते हैं, बंद जाल ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है धारा गुणे प्रतिरोध प्लस धारा गुणे प्रतिरोध प्लस धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल। तो इसमें धारा क्या है आई वन, प्रतिरोध क्या है 10, तो 10 आई वन, इसमें धारा आई टू है प्रतिरोध 5, तो 5 आई टू, इसमें धारा आई वन माइनस आई टू प्रतिरोध 5, तो इसका गुणा करेंगे। लेकिन इसमें ये बता दे, धारा यदि परिपथ की दिशा धारा की दिशा उल्टा है तो माइनस लेना पड़ेगा। जैसे यदि हम इसमें ऐसे चलते हैं इस प्रकार,
ये दिशा में जा रहे हैं, ये भी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये विपरीत है। ये क्या है? विपरीत। तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। बात को समझना, बाद में दिक्कत जाएगी। धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसमें माइनस पाँच का इसमें इंटू करना पड़ेगा, है ना। माइनस लगा के देखना क्या कह रहे हैं। देखना, धारा गुणे प्रतिरोध, तो धारा आई वन प्रतिरोध 10, तो 10 आई वन प्लस 5 आई टू हो जाएगा ये। और यहाँ माइनस लगाएंगे, अब माइनस लगा के 5 और ये आई माइनस आई वन बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल है ही नहीं। प्रतिरोध गुणे धारा, प्रतिरोध गुणे धारा, प्रतिरोध गुणे धारा। और यहाँ कहोगे सर माइनस क्यों लगाया है, तो हमने कहा ना कि ये धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, ये विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लगाना पड़ा। अब 10 आई वन प्लस 5 आई टू माइनस 5 आई प्लस 5 आई वन इक्वल टू जीरो। ये आई वन आई वन, तो 15 आई वन प्लस 5 आई टू माइनस 5 आई, ये देखिए ये मिलके 15 और ये आई टू 5 आई टू और ये 5 आई इक्वल टू जीरो। अब ये 5 से भाग कामन ले लेते हैं, 5 का भाग कर देते हैं, तो 3 आई वन प्लस आई टू माइनस आई इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर 1, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, ये किया, ठीक है। पुनः बंद जाल बी सी डी बी, बी सी डी बी में वही किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो इसमें धारा 5 आई वन माइनस आई टू अब माइनस 10 आई माइनस आई वन प्लस आई टू माइनस 5 आई टू बराबर जीरो। धार प्रतिरोध गुणे धारा 5 आई माइनस 5 वन माइनस आई टू माइनस 10 गुणे ये और ये माइनस 5 आई टू बराबर जीरो, तो ये 5 आई वन माइनस 5 आई टू माइनस 10 आई प्लस 10 आई वन माइनस 10 आई टू माइनस 5 आई टू बराबर जीरो। 5 आई वन 5 आई टू 10 आई 10 आई वन 10 आई टू ये आई वन 5 10 5 15 15 आई वन 5 10 5 15 5 20 20 आई टू माइनस 10 आई बराबर जीरो। 5 के भाग 3 आई वन 4 आई टू माइनस 2 आई इक्वल टू जीरो, ये समीकरण नंबर 2। 5 का भाग कर दिए, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 दूना 10, ठीक है। अब कौन सा बंद जाल लेना पड़ेगा? अब बंद जाल ले रहे हैं ए बी सी ई एफ में, ए बी सी ई एफ ए में, इसमें लगाते हैं
और जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा देखना। 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 I2, 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 I2 अब प्लस 10 I बराबर 10 I1 5 I1 माइनस 5 I2 और 10 I इक्वल टू 10 वोल्ट। अब ये I1 15 I1 माइनस 5 I2 प्लस 10 I बराबर 10, 5 का भाग 3 I1 माइनस I2 प्लस 2 I इक्वल टू 2। इसमें क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब 5 से डिवाइड तो यहाँ 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 9 ये आ गया। अब हमारे पास 3 समीकरण बन गए। इन तीनों समीकरणों को अच्छे से हल करना है तो I1 I2 I का मान मिलेगा। ठीक है, देखिए यदि हम समीकरण दो और तीन को जोड़ दें तो एक ठो आई वाला टर्म हट जाएगा तो दो चर का समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम तीनों समीकरणों को लिख लेते हैं, हमको मिटाना भी है यहाँ पर लिखने के लिए। तो पहले तो समीकरण दो और तीन को जोड़ने पर समीकरण 2 − 3 से ध्यान दीजिए, 2 − 3 को जोड़ेंगे तो 2 I से 2 I कैंसिल, 2 I से 2 I कैंसिल, अब -4 और -1 मिल के 5 और ये 3 × 3 = 6, यानी 6 I1 माइनस 5 I2 बराबर 2, ये इक्वेशन नंबर 4। क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 3 × 3 = 6, 4 × 1 = 5 और माइनस प्लस कैंसिल 2 आया। ठीक है, अब क्या करें, एक और समीकरण लाना है हमको। अब यदि हम इसमें दो का गुणा कर दें, और फिर इसको उसके साथ जोड़ दें तो क्या आएगा, ये इससे कैंसिल के, यानी समीकरण 1 × 2 − 3 से 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, 1 में 2 का गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 I1 प्लस 2 I2 माइनस 2 I बराबर 0 और इसको 3 I1 माइनस I2 प्लस 2 I तो ये कितना हो जाएगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो ये 9 I1 और प्लस I2 इक्वल टू 2। ये क्या किया हमने, समीकरण 1 में 2 का गुणा किया,
तो 6i1 + 2i2 - 2i, इसको उसके साथ जोड़ दिया तो ये इस ये कैंसिल और ये 6 3 9 यानी 9i1 + i2 = 2 ये आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, कैसे आएगा देखिए। यदि हम इसमें 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 5 का गुणा कर दें और जोड़ दें, इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा देखिएगा। यानी समीकरण 4 धन 5 × 5 तो देखना 6i1 - 5i2 = 2 इसमें 5 का गुणा तो 45i1 + 5i2 = कितना ये 10, ये इससे कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 51i1 = 12। तो i1 = कितना 12/51 और 3 17 3 4 तो i1 = 4/17 आ गया, i1 = 4/17। i1 का मान कितना आ गया 4/17। ठीक, अब इस i1 का मान किसी में रख दो तो i2 का मान मिल जाए, और फिर i1 i2 का मान मिल जाए तो किसी में रख देंगे तो i का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ तक मिटा लेते हैं। इसको बचाए हैं, इसमें मान रखना पड़ेगा तो i1 का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। i1 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो 9 × 4/17 + i2 = 2 36/17 + i2 = 2 तो i2 = 2 - 36/17 तो 17 × 34 - 36/17 ये रहा i2 का मान। एम्पियर आई लिखे हैं। अब i2 का मान मिल गया i1 का मान। ठीक है, क्या क्या मिल गया, i1 i2 का मान मिल गया। अब इनको मिटा लेते हैं, हमको किसका किसका मान मिल चुका है। i1 का मान कितना 4/17, i2 का मान कितना -2/17। अब i1 i2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। i1 i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर i1 और i2 का मान समीकरण 1 में, ठीक, तो ये 3 i1 4/17 + -2/17
सत्रह बराबर माइनस आई बराबर जीरो, तो तीन चौको बारह बटे सत्रह माइनस दो बटे सत्रह माइनस आई बराबर जीरो, तो दो बारह बटे सत्रह माइनस दो बटे सत्रह बराबर आई। अब कितना हो जाएगा, दस बटे सत्रह आई बराबर, ये आई बराबर दस बटे सत्रह हो गया, ठीक है ना। आई बराबर दस बटे सत्रह एम्पियर, ये ठीक है। तीन चौको बारह बटे सत्रह ऋण दो बटे सत्रह माइनस आई, माइनस आई उधर चला गया। अब ये बारह माइनस दस बटे सत्रह, ये अब है तो क्या मिल गया, आई का मान भी मिल गया, ठीक है। अब कुल मिला के आई का मान मिल गया, आई वन का मान मिल गया और आई टू का, ठीक ठीक है ना। यहाँ आई का कितना आ गया, आई बराबर कितना आ गया, दस बटे सत्रह एम्पियर, ये। अब देखिए, अब आपको आई वन का मान मिल चुका है, I2 का मान मिल चुका है और I का मान। अब तब प्रत्येक ब्रांच से धारा की गणना करना है ना। तब AB में धारा I1 बराबर चार बटे सत्रह, BD में धारा I2 बराबर ऋण दो बटे सत्रह, BC में धारा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 चार बटे सत्रह माइनस ये प्लस दो बटे सत्रह, ये हो जाएगा बराबर छः बटे सत्रह, ये आई वन माइनस आई टू, तो आई वन चार बटे सत्रह, आई टू माइनस दो बटे सत्रह तो माइनस माइनस प्लस, तो ये छः बटे सत्रह, ठीक है। बी सी का भी मिल गया, सी डी में धारा तो आई माइनस आई वन प्लस आई टू, तो I 10 बटे 17 माइनस I 1 4 बटे 17 और प्लस I 2, तो I 2 2 बटे 17 कितना हो जाएगा, I 1 10 बटे 17 आई दस बटे सत्रह माइनस आई वन चार बटे सत्रह माइनस आई टू दो बटे सत्रह, तो ये कितना आएगा, छः, तो यानी चार बटे सत्रह, ये भी आ गया, सब एम्पियर में है, ठीक है। अब ए डी में धारा आई माइनस आई वन, आई दस बटे सत्रह माइनस चार बटे सत्रह, तो छः बटे सत्रह, ये हो गया। तो हर एक ब्रांच की धारा का मान आ गया, आई ये आई वन, ये प्रोसेस ये है, ठीक। कहीं पर यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक है
तो उसको आप लोग करेक्शन कर सकते हो अपने से भी। यदि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हो, रूल यही है। लेकिन इसको जानने के लिए किरचॉफ का नियम आपको प्लेलिस्ट में जा कर पढ़ना पड़ेगा। चैनल में जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप बताएं ना, इसका डेरिवेशन आप किरचॉफ का नियम आप प्लेलिस्ट में पढ़ लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। नहीं तो आप किरचॉफ का नियम नहीं जानते तो आपसे इसमें कुछ भी नहीं समझ में हवा ही नहीं लगेगी। थैंक यू।